साईं बाबा के शिरडी में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव का आज प्रारंभ हो चुका है। सुबह साईं बाबा की काकड़ आरती से इस उत्सव की शुरुआत हो गई है। बाबा की जो वीणा है, पादुका है और फोटो की यहाँ पर सवारी निकली और उसके बाद गुरु पूर्णिमा उत्सव का प्रारंभ हो चुका है। इस वक्त हम साईं बाबा के गुरुस्थान के पास है और ये गुरुस्थान मंदिर का जो महत्व है वो साईं बाबा ने खुद कहा था कि ये मेरे गुरु का स्थान है और इसीलिए भक्त जो है आज के दिन यहाँ पर आकर साईं बाबा समाधि के दर्शन के बाद बाबा के गुरु के सामने यहाँ नतमस्तक होते हैं और दर्शन करते हैं। हजारों भक्त जो है वो पैदल चलकर शिरडी आते हैं। जो भक्त शिरडी आते हैं वो साईं बाबा समाधि का दर्शन करते हैं। साथ ही यहाँ पर जो धुनी लगाई गई है, इस धुनी में लोबान जलाकर अपने दुखों का अंत होने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा के गुरु से प्रार्थना करते हैं। और ये जो गुरुस्थान है इसकी पवित्रता ये है कि ये यहाँ पर जो नीम वृक्ष है इसके पत्ते जो है ये मीठे लगते हैं और साईं बाबा ने स्वयं यहाँ पर आकर तपस्या की थी ये भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गुरु पूर्णिमा उत्सव का एक अनोखा महत्व यहाँ पर शिरडी में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साईं बाबा के जीवन काल में तात्या साहेब नूलकर ने सबसे पहले बाबा की गुरु मानकर पूजा की थी, तब से ये उत्सव शुरू हुआ है और ये 3 दिन लगातार चलने वाला उत्सव है। कल यानी कि गुरु पूर्णिमा के मुख्य दिवस पर रात भर साईं बाबा का समाधि मंदिर जो है भक्तों को दर्शन हेतु खुला रहेगा। यानी कहीं ना कहीं जो भक्त शिरडी आते हैं वो गुरु मानकर साईं बाबा का दर्शन करते हैं और साईं बाबा का आशीष पाकर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए दिखाई देते हैं। सुनील दबंगे, न्यूज़ 18 शिरडी।